आप सभी देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या पढ़ रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चंस देंगे और मैथ के क्वेश्चंस को मितिमा करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है ईशु, आप देख सकते हैं मितिभा इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने उनको क्वेश्चन दिए हैं, ये है इस पेज पे है, तो ये है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, ये है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, और ये है पुट द करेक्ट साइन। तो मितिभा ये सब करेंगे। ये है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, तो ये सब मैंने नोट कर दिए हैं, मितिभा इनको सॉल्व करेंगे। ये है फ्रेंड असेंडिंग ऑर्डर्स, तो ये मैंने दिए हुए हैं, और ये हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो इनको ये मितिभा करेंगी, अपने आप करके दिखाएंगी। ये सब मितिभा को आता है, सब सीख चुकी हैं, तो मितिभा का टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है ईशु, करके दिखाएंगी अपने आप, बोलो। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व। और यहाँ पे अंशु पढ़ रहे हैं, अंश तुम क्या पढ़ रहे हो? बीमास पढ़ रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं उनको, बीमास होता है। चलिए करिए, इनको कल मैंने सॉल्व कराए थे और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज अंशु फिर से। करिए, तो हमें ढूंढना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ढूंढ के यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है 10। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही लिखा है मितिभा ने, ध्यान से करना। 14। गुड, इसमें देख लेते हैं कौन सा वाला है। 10। सही है। गुड, तो मितिभा ने ये कर लिए स्मॉलेस्ट नंबर, सही किया मितिभा ने। चलो आगे बढ़ो, सर्कल लार्जेस्ट नंबर, ओके चलिए लार्जेस्ट नंबर ढूंढते हैं। सबसे लार्जेस्ट नंबर कर रही हैं, हाँ सही कर रही हो तुम। 90। गुड, आगे बढ़ते ये लास्ट बचा लार्जेस्ट नंबर। तो सही है, चल पुट द करेक्ट साइन। करिए आप भी, वो अपना कर रही है तो अपना करो। तो ये है ग्रेटर ना लार्ज ना इक्वल, ये दो चीज नंबर आएंगे तो लगाएंगे इक्वल। ये कौन सा बड़ा उसको ढूंढ लेते हैं, बड़ा है इक्वल, इक्वल बड़ा होता है।
सही कर रही हो। दो नंबर होते हैं तब ओके लगता है। जब दो नंबर, दोनों नंबर सेम हो तो क्या आता है? इक्वल वाला साइन। गुड गुड। तो आज दोनों मैथ पढ़ रहे हैं। गुड गुड। अब मितिवा करेंगे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर बिफोर 21 आएगा तो 22। 39 40 41 12 12 13। गुड। और आफ्टर गंदी से कंप्लीट 38 39। गुड। 47 48 12 13। तो इन सब का मितिवा पहले रिवीजन कर चुकी हैं, मैं इनको कई बार करा चुकी हूँ। उसके बाद मितिवा कर रही हैं जो कि 6 से कर रही हैं। 49 के बाद क्या आएगा? 49 के बाद मितिवा ने एक मिस्टेक किया है। देखिए 49 के बाद 48 लिख दिया है। तो मितिवा ने इतने इतने सारे क्वेश्चंस में एक अभी उनका मिस्टेक निकला, लेकिन मितिवा ने हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। क्यों मितिवा, क्यों यशु? हो जाता है। चलो करो। क्यों अंशु, हो जाता है ऐसा? क्या हो जाता है? गुड गुड। मितिवा कर रही है बिफोर नंबर्स। हाँ सही। गुड। ये क्या है? 24 है। ठीक है, 24 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23। गुड गुड। 18 है तो हम लिख देंगे 7। 23। क्या लिखा है ये? 23। अच्छे से बनाओ। 5 बना रही थी, फिर उसको 3 कर दी। अच्छे से बनाते हैं ना। गुड। तो ये है बिटवीन, फिर से आ गया बिटवीन, कर ले। 5 यहाँ पे, ये 13 14 49 तो जन कर रहे हैं डिवीजन। यहाँ पर फ्रेंड अंशु ने क्रॉस चेक किया है कि उनका डिवीज़न सही है कि नहीं, उन्होंने जो किया है तो इस तरीके से चेक कर दिया है। इधर यशु का हो गया है बिटवीन। हम करेंगे तो चलिए पढ़ते हैं। असेंडिंग एंड सही किए सारे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके। ये असेंडिंग, इसको
ये असेंडिंग है। इसमें असेंडिंग मींस होता क्या है यीशु, पहले बताइए। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। हाँ गुड। हमें इसमें स्मॉल ढूंढना, कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। हाँ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ पे लिखना है यार। देखिए और लिखिए। सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 48। लिख देते हैं 48। लिखने के बाद हम कॉमा भी कर लेंगे। 48 लिखने के बाद फिर रहता है 68। 68 लिख देंगे और फिर 89। गुड। तो मितिमा का ये असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, सभी लिखा है। तो सबसे पहले आएगा 57। 57 गुड। 57 फिर आएगा 64। 64 और फिर आएगा 75। गुड। देखिए दोस्तों हमने असेंडिंग ये दो हो गए हैं और ये भी असेंडिंग करिए। ये असेंडिंग है। हाँ असेंडिंग ऑर्डर करिए इन्हें भी। यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आएगा 20 और फिर आएगा क्या है स्मॉलेस्ट कौन सा है 90। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिगेस्ट, ठीक है बिगेस्ट नंबर। छोटा है 75। सही है। चलो आप करेंगी, आप करेंगी ये डिसेंडिंग ऑर्डर करिए। 87 डिसेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है मितिमा बताइए। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए तो पहले बिगेस्ट नंबर लिखेंगे फिर से स्मॉल फिर स्मॉल सबसे सबसे स्मॉल। 87 कमा फिर 67 और कमा और फिर 57। देखो छोटा देख लो। चलिए तो 40 20 60 ये बड़ा 60 सबसे बड़ा है 40 फिर से छोटा 20 गुड 90 72 72 31 31 11 गुड 43 93 93 कमा ओके 83 कमा और फिर 40 कंप्लीट हो। तो यीशु ने ये कंप्लीट कर लिया है, यीशु का सारा हो गया, यीशु ने सारा सही किया है, सिर्फ एक मिस्टेक थी जो ये वहाँ पे ना। हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया था 41 मिथिला का सिर्फ एक मिस्टेक निकला है, बाकी यीशु ने हमारी सारा सही किया है। सारा सही किया है। गुड।
तो आप देख सकते हैं यीशु ने मैथ का स्टडी कर ली, मैथ की स्टडी कर ली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये देख सकते हैं कितनी हो रही है बारिश। देखिए यहाँ आ गए हैं बच्चे मस्ती करने के लिए। तो बच्चों क्या खेल रहे हैं उधर देखो? पार्किंग खेल रहा हूँ। देखिए अंशु भी पार्किंग वाला गेम खेल रहे हैं। ये दोनों ऐसे खेलते रहते हैं। ये उनका पार्किंग बना है और यहाँ पे अंशु का पार्किंग बना है। तो इसी तरीके से सब खेलते रहते हैं। पूरे रूम में टॉय फैलाए रहते हैं पूरे घर में। तो इनकी स्टडी हो गई है और अब ये दोनों खेलते हैं। फ्रेंड इसी तरीके से दोनों मिलके खेलते रहते हैं और ये इनका टाइम रहता है प्ले करने का। तो अपना इसी तरीके से प्ले करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। डिनर भी बनाना है मुझे और इनको चॉकोस मिल्क भी चाहिए, तो वो भी दूंगी अभी, तो वो भी दूंगी मैं। मिल्क चॉकोस देती हूँ अभी इनको, तो ये अपना वो भी खाएंगे फिर खेलेंगे। और मैं अपना घर का काम करूँगी, डिनर बनाऊँगी, उसकी तैयारी करूँगी। तो एडिटिंग भी करनी है मुझे। आज शाम तक फ्रेंड आप ये वीडियो देखेंगे। तो इनका टाइम हो गया बच्चों का मिल्क चॉकोस का, तो ये मिल्क गरम कर देते हैं। तो इन दोनों का ये हो गया मिल्क चॉकोस। ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों खाएंगे। अंशु का, यशु का, खाइए मिल्क चॉकोस। ये दोनों खा रहे हैं, देखो इधर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, लव यू ऑल। बाय करो बच्चों। बाय।